वहीं विश्व श्री केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होते ही कुछ असामाजिक तत्व धाम की पवित्रता को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग डॉक्टर विशाखा अशोक भदाणे के दिए गए निर्देशों और पुलिस उपाधीक्षक गुप्त काशी के प्रभावी पर्यवेक्षण में चौकी गौरी कुंड पुलिस ने दो अलग अलग जगहों से 6 व्यक्तियों को अवैध शराब का परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया है। साथ ही शराब परिवहन में इस्तेमाल दो पहिया वाहन को भी सीज किया गया है, जिनके विरुद्ध कोतवाली सोनप्रयाग पर कार्यवाही की गई है। वहीं अवैध शराब तस्करी करने वाले सभी लोग जनपद के स्थानीय बताए जा रहे हैं, जो कि केदारनाथ पैदल मार्ग पर लगे टेंटो ढाबों में शराब की बिक्री कर मोटी कमाई करते हैं। वहीं चौकी प्रभारी गौरी कुंड कुलेंद्र रावत ने और कुलेंद्र रावत के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने अवैध शराब ले जा रहे व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान पकड़ लिया है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की खास रिपोर्ट। केदारनाथ धाम में या केदारनाथ यात्रा रूट पे अवैध तरह से शराब की बिक्री की सूचनाएं आती है। लास्ट ईयर भी हमने इसमें लगभग 110 के आसपास मुकदमे जो है वे दर्ज करवाए थे। इस साल भी हमारी जो पैनी नज़र जो है इस पे लगातार बनी रहेगी, और लगातार अगर कोई भी ऐसे शराब का संचालन करता है या वहन करता है या फिर स्टोर करता है तो उस पे लगातार हम कार्रवाई करेंगे।